गालिबन 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। कि अल्मोमिनो यहताजो इला थलासत अशिया, इन मोमिन तीन चीज़ों की तरफ हमेशा मोहताज रहता है। पहली चीज़ क्या है? वाइज़ु मिन नफ्से, कि ख़ुद उसके अंदर कोई एक वाइज़ हो, नसीहत करने वाला हो, यानी इंसान का ज़मीर। अगर ख़ुद आप तब्दील नहीं होना चाहती हैं तो दुनिया के सारे इंसान भी अंबिया बन जाएं और दुनिया के सारे इंसान भी इमाम बन जाएं, अगर आप ख़ुद तब्दील नहीं होना चाहती हैं तो कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर इंसान की ख़ुद ज़मीन ज़रखेज़ ना हो तो चाहे कितनी ही बारिश उस पर क्यों ना पड़े और कितनी अच्छी बारिश क्यों ना पड़े, नहीं हो सकता। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु सल्ला अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, यानी कायनात में उनसे अफजल कोई हस्ती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका वजूद मुबारक सबके लिए था। यानी मुसलमान भी देख रहे थे, काफिर भी देख रहे थे, उनकी जो आयात थी, उनकी जो नसीहतें थी, जिस तरीके से मुसलमान सुनते थे इसी तरीके से काफिर भी सुनते थे। लेकिन कुछ की ज़मीन ज़रखेज़ थी जनाब बिलाल की तरह, सही है। वो जब मुसलमान हुए तो कैसे मुसलमान हुए कि किसी सूरत में भी अहद कहना नहीं छोड़ा, और कि कुछ की जो ज़मीन थी वो इस कदर से कहना चाहिए सेम और थोड़ से भरी हुई थी जैसे अबू जहल, कि यानी जो मौजज़े देखकर भी मुसलमान नहीं हुए, कुछ हुए जो बग़ैर मौजज़ों के मुसलमान हो गए, कुछ वो हुए कि जो मौजज़े दिखाने के बाद मुसलमान हुए, कुछ वो हुए कि जो जिन्होंने मौजज़े भी देखे, खुदावंद करीम और रसूल खुदा की अहदीसों को भी सुना, उनके वाज़ और नसीहत को भी सुना, लेकिन नहीं हुए। मसलन अबू जहल की मिसाल हमारे सामने, मसलन अबू लहब की मिसाल हमारे सामने, खुद आइमा अथार के दौर में कितने अफराद ऐसे थे कि जो इब्तिदा में मिसाल के तौर पर इमाम के साथ रहे, इंतहा में इमाम के साथ नहीं रहे। हमारे सामने मिसाल मौजूद है, तलहा ज़ुबैर की मिसाल है हमारे सामने। तलहा ज़ुबैर ख़ुद इमाम के घर में मौजूद हैं, खलीफा अव्वल की बैत से इनकार करने में इनका नाम आता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब इनको कोई अहदा नहीं मिला, जब मौला को खिलाफत मिली, उनका कोई अहदा नहीं मिला तो अलग हो गए। इमाम हसन मुश्तबा के दौर में हमारे ऐसे असहाब मिलते हैं कि जिनका नाम इमाम हसन मुश्तबा के असहाब की लिस्ट में आता है, लेकिन जब खलीफे अमीर शाम ने दिरहम और दिनार के वो इसे कहना चाहिए रंगीनी दिखाई तो बिक गए। यानी फ़ौज का सिपह सलार है, कैसा सिपह सलार है कि अमीर शाम ने उसकी बीवी को और उसकी बीवी के पेट में मौजूद बच्चे को उसकी आंखों के सामने मार दिया है। आप सोचें कि ऐसा शख्स है कि उसकी आंखों के सामने अमीर शाम ने उसकी बीवी को और उसकी बीवी के पेट में रहम में जो बच्चा है दोनों को एक साथ मरवा दिया, उसके बावजूद 200 दिरहम के लिए इमाम हसन ने मुश्तबा को छोड़ दिया। लश्कर का सिपह सलार है, 200 दिरहम की खातिर इमाम हसन ने मुश्तबा का साथ छोड़ दिया और अमीर शाम के साथ हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि इंसान की ज़मीर ज़रखेज़ नहीं है। वाइज़ु मिन नफ्से, इंसान को डरना चाहिए कि जब इंसान उस नहज पर पहुंच जाए कि इंसान कोई गलत काम करे और ख़ुद उसका नफ्स मलामत ना करे। एक मरतबा इंसान जब पहली मरतबा गुनाह करता है तो इंसान का नफ्स मलामत करता है, तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर दूसरी दफ़ा अंजाम देता है, फिर इंसान का नफ्स मलामत करता है। लेकिन अगर इंसान बाज ना आए और मुसलसल अंजाम दे, एक वक्त आता है इसे कहना चाहिए कि ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर, इनकी आँखों पर और इनके समातों पर मोहर लगा दिए। ये जो मोहर है इससे बढ़कर कोई अजाब नहीं है इंसान के लिए। अगर ये मोहर लग जाए तो आप सोचें कि एक इमाम मासूम की बात इंसान को सुनाई नहीं देती है। इमाम मासूम पिसर साद शब आशूर, इमाम ने बुलाया उसको अकेले में, वो अपने बेटे के साथ आया, इमाम अपने जनाब अली अकबर और हज़रत अबुलफ़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ गए और कहा कि कुछ गुफ्तगू करनी है। वो मकाम भी इंशाल्लाह करबला की ज़्यारत आप सबको नसीब करे।
वो मकाम भी मौजूद है वहाँ पर करबला में, जहाँ पर इमाम ने मुलाकात की थी पिसार साथ से। इमाम कह रहे हैं कि किस वजह से मुझसे जंग करना चाहता है। कहा कि नहीं करूँगा जंग तो जो अमीर शाम है वो मेरा माल और असबाब लूट लेगा। इमाम ने कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ तेरे माल और असबाब की। कहा नहीं, वो मेरे मिसाल के तौर पर बीवी बच्चों पर जो है वो जुल्म करेगा। कहा मैं ज़मानत दे लेता हूँ उनकी। जब देखा कि किसी तौर भी पिसर साथ समझने के लिए तैयार नहीं है, यानी इमाम, आप सोचें कि वक्त का इमाम है, इमाम मासूम है, इमाम मासूम की गुफ्तगू असर नहीं कर रही है, यहाँ तक असर नहीं कर रही कि इमाम मासूम ये कह रहे हैं कि मैं ज़मानत लेता हूँ, उसके बावजूद पिसर साथ अड़ा हुआ है और कहा कि मुझे खौफ है कि तुझे रे की गंदम नसीब नहीं होगी। इसके जवाब में तंजिया क्या कहता है पिसर साथ कि मैं जौ पर गुजारा कर लूँगा। तंजिया तौर पे कहता है कि अगर मुझे गंदम ना मिली तो मैं जौ पे गुजारा कर लूँगा। तो ये नहज, इस नहज पर क्यों पहुँचा पिसर साथ को? एक दिन में पिसर साथ तो नहीं बना ना, कुछ अवामिल थे, कुछ असबाब थे, वो असबाब मुहैया होते गए होते गए होते गए तो फिर पिसर साथ बना। दोस्त शिमर मिसाल के तौर पर या और दूसरे जितने भी अफराद होंगे, जो शख्सियात होंगी, आप इनके अवामिल को तलाश कीजिए कि इनमें क्या आमिल थे, क्या अवामिल थे कि मिसाल के तौर पर पिसर साथ बना या शिमर बना। तो सबसे बड़ा जो आपको समझ में आएगा एक आमिल, एक है हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, यानी दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते थे, दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते थे, दुनिया की रंगीनी में मुब्तला हो गए, समझ रहे थे कि हम हमेशा के लिए रहेंगे, जबकि गाफिल थे इस बात से कि हमारे सामने लोगों के जनाजे उठ रहे हैं, कितने अफराद हैं हमारे सामने जा रहे हैं इस दुनिया से, हम खुद अपने ख़ानदान में देख रहे हैं कि हमसे पहले वाले जा रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारी बारी भी आनी है। तो ये दुनिया कितने दिन की है, और फिर जा रहे हैं तो कुछ लेके भी नहीं जा सकते हैं, यानी ऐसा भी नहीं है कि मैं जितना माल दौलत मैंने जमा किया है सोना चांदी साथ लेके चले जाऊं, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद नसीहत नहीं ले रहे हैं। क्यों नसीहत नहीं ले रहे हैं? वाइज़ुम में नफसी नहीं है, अंदर का जो इंसान है मर चुका है, ज़मीर मर चुका है। तो इमाम फरमाते हैं कि मोमिन हमेशा तीन बातों की तरफ मोहताज होता है। पहली बात वाइज़ुम में नफ्स, हमेशा नफ्स के अंदर से एक वाइज नसीहत करने वाला, यहाँ पर चाहे आपके पास दर्स हो ना हो, मौलाना आए नहीं आए, जब तक खुद आप तब्दील नहीं होना चाहेंगे कोई आपको तब्दील नहीं कर सकता। यानी लाखों दुरुस हो सके, लाखों मदरसे कायम हो जाए, मदरसा अल-कायम जैसे पूरा कराची भर जाए, पूरा पाकिस्तान भर जाए, जब तक आप खुद तब्दील नहीं होना चाहेंगे कोई आपको तब्दील नहीं कर सकता। वाइज़ुम मिन नफ्स व तौफीक मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से तौफीक। हमेशा मोमिन किसका मोहताज है? अल्लाह की तौफीक। जब तक खुदा की तौफीक ना हो, क्योंकि खुदावंद करीम कहता है कि हिदायत और गुमराही मेरे हाथ में है, मन युदलिल्लाह फला हादिया लहू, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह। तो इंसान ये यानी चौड़ा नहीं हो जाए, ये ना समझे कि मैं हूँ मिसाल के तौर पर, मैं नमाज शब पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी वजह से दीन पर कायम हूँ, या किसी गुनाहगार को देखे तो कहे कि देखो कितना गुनाहगार है और मैं तो मिसाल के तौर पर, ऐसा नहीं। बल्कि गुनाहगार को देखकर अगर कोई गुनाह हो भी रहा है उसके सामने तो शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावंद करीम ने मुझे मुब्तला नहीं किया इस बीमारी में जिसमें उस शख्स को मुब्तला किया है। तो वाइज़ुम मिन नफ्स तौफीक मिन अल्लाह वकबूल मिम्मन यंसहु, तीसरी जो चीज़ जिसका मोमिन मोहताज होता है कि अगर कोई उसे नसीहत करे तो उस नसीहत को कबूल करे। बस औक़ात ऐसा होता है कि जब इंसान नसीहत करता है या देखता है कोई चीज़ को नसीहत कर रहा है तो इंसान सोचता है कि ये तो वही पुरानी बातें कर रहे हैं, हमें सब पता है, हम तो करते ही हैं मिसाल के तौर पर, हमें क्या सिखा रहे हैं, सही ना? तो ये खुदा ना खास्ता चाहते ना चाहते हुए इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मौजूद है, आप किसी ना किसी चीज़ को मिस कर रही हैं। यानी बाहिजाब होते हुए, मुतदय्यन होते हुए, दीनी अहकामात पर अमल करते हुए करने के बावजूद कोई एक चीज़ है जो आपसे मिस हो रही है। वो क्या चीज़ मिस हो रही है कि आप मुतवज्जे नहीं है इस बात की तरफ
कि इन सारी चीज़ों के पीछे किसका हाथ है? खुदावंद करीम का हाथ है, खुदा की तौफीक है। अगर खुदा की तौफीक ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इन तीन चीज़ों की तरफ इंसान मोमिन मोहताज है। जब तक इंसान खुद ही में नहीं आएगा उस वक्त तक ना दुनिया को पा सकेगा ना आखरत को पा सकेगा। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैं आपकी ज़हमत तमाम कर दूँगा। खुद ही में आना ज़रूरी है। खुद ही का क्या मतलब है? देखिए कुरान मजीद में बहुत मजम्मत की गई है गफलत की। इक्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फ़ी गफलतिन मुअरिदून। लोगों का हिसाब नज़दीक आ चुका है और वो गफलत में फिरे जा रहे हैं। गफलत किसे कहते हैं? आपने छोटे बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो बड़े क्या कहते हैं? देखो इसका ध्यान रखना, ये गिर ना जाए, इसको चोट ना लग जाए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा खेल में इतना मगन है कि उसको अपने आसपास की नज़र नहीं आ रहा, उसको अपने आसपास से, यानी वो बहुत मगन हो गया एक चीज़ में। जब वो एक चीज़ में बहुत मगन हो जाता है तो आसपास से गाफिल हो जाता है। इस कैफियत को गफलत कहा जाता है कि इंसान दुनिया में इतना मगन हो जाए कि उसे ये समझ में ही नहीं आए कि भाई मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है, मुझे एक दिन मरना है, मुझे एक दिन कब्र में जाना है। इतना इस दुनिया में मगन हो जाए, इसको कहा जाता है गफलत। ये जो गफलत है, जब ये पूरी तरीके से इंसान पर तारी हो जाती है तो फिर इंसान अपने आप को भुला देता है। ला तकुनु कल्लदीना नसवुल्लाह फ़ानसाहुमुल्लाह अन्फुसहुम। उन लोगों की तरह मत हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह के ज़िक्र को भुला दिया तो अल्लाह ने ख़ुद उन लोगों को उनके लिए भुला दिया, यानी अपने आप को भुला बैठा हूँ मैं। अपने आप को भुलाने से क्या मुराद है? यानी मैं समझ ही नहीं रहा हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पर आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा कोई एंड है या नहीं है। जिस तरह यानी एक गफलत की ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आया कल मेरी सुबह होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम कि मैं अगला सांस ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, नहीं मालूम कि अगला जुमला, अगला हर्फ, अगला कलमा मेरी ज़बान से अदा होगा या नहीं होगा। यानी मैं एक ज़िंदगी के जो इस कदर नाकाबिल एतबार है उस पर शदीद यकीन करके बैठा हुआ हूँ। यानी जुमले आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंसान का जो ज़िंदगी है, क्या भरोसा है इसका? आप कोई लिखवा के लाइए, सर्टिफिकेट लिखवा के लाइए, क्या आप 50 साल ज़िंदा रहेंगी, 10 साल ज़िंदा रहेंगी, मज़ीद 20 साल मज़ीद, किसको पता है? किसी को नहीं पता है। ये वो इल्म है जो अल्लाह ने छुपा के रखा है, ख़ुद अपने पास छुपा के रखा है। हदीस में कि अगर खुदावंद करीम बता देता, लोगों की मौत का वक्त बता देता तो क्या होता? तमाम की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती, इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। यानी अगर आज से मुझे पता चल जाए कि इस डेट को मेरी मौत आनी है तो मैं खाना पीना छोड़ दूँगा, खौफ की वजह से मैं अपने बच्चों की देखभाल छोड़ दूँगा, मैं अपने भाई बहन की देखभाल छोड़ दूँगा, मैं अपने वालदेन की देखभाल छोड़ क्यों? इसी खौफ की वजह से कि मुझे मरना, यानी मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो ज़िंदगी इंसान की क्या हो जाएगी? मफलूज हो जाएगी अगर इंसान को बता दिया जाए कि हर इंसान की मिसाल कि तुम्हारी डेट इस डेट को इंतकाल होना है, तुम्हारा इस डेट को होना है, तुम्हारा इस डेट को होना है। क्यों? ये इल्म अल्लाह ने छुपा के रखा है ताकि ज़िंदगी मफलूज ना हो इंसान की। लेकिन छुपा के रखने का मतलब ये नहीं है कि ज़मानत दे दी गई है। तो इस कदर नाकाबिल एतबार चीज़ है कि इंसान को अगले लम्हे का नहीं पता, उसके बावजूद वो काम ऐसे करता है जैसे उसे 100% क्या 200% यकीन है कि वो हज़रत नूह की ज़िंदगी जिएगा। हज़रत नूह 950 साल जिए या 1000 साल, 2500 साल, चलें 2500 साल कहते हैं कि 950 साल उनकी तबलीग के साल थे, भारत जो भी है 950 साल। तो बहरहाल यानी जितना भी टाइम पीरियड आप बढ़ा लें, 900 साल, 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल, 4 लाख साल, एंड क्या है आपका? बिलाल महदूदियत तो आ गए ना, आप जो भी अदद लेकर आएंगे वो आखिर कहीं पर जाके तो ख़त्म तो होना है ना। सर आपने गफलत की बहुत अच्छी तारीफ की जी, बस दुआ करें कि गफलत से बाहर निकल जाएं इंशाल्लाह। ये जो कहने वाले होते हैं ना, ये कहने वाले ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। क़यामत के दिन वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हसरत उठाएगा
कि जो दुनिया में तो अच्छी बातें किया करता था उसकी बातों पर अमल करके लोग जन्नत में चले गए और वो देखता रहेगा। तो वो हम जैसों के लिए, हम जैसों का जो है वो यौमुल हसरत है हमारे लिए। खुदा करे कि जो हम कह रहे हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।